नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आज हम शाम का टाइम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों का बहुत काम था, जैसे कि कपड़ा धोना था क्योंकि 1 जनवरी में हम लोग नहा वहा के सारे लोग ऐसे ही कपड़ा रख दिए थे ना, इसीलिए हम लोग सुबह से कपड़ा धो थे। अभी तालाब गए थे कपड़ा धोने के लिए। और आज हम लोग बना रहे हैं सूखा मछली। कौन कौन जानता है जिसको हम लोग चिंगड़ी मछली भी बोलते हैं, झींगा मछली भी बोलते हैं, तो वही हम सूखा वाला चिंगड़ी मछली बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी हम इसको पानी में बॉईल कर रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारा सूखा हुआ मछली जिसको हम मुंबई से लाए हैं, और मुंबई में बहुत ही महंगा मिलता है, इधर भी शायद महंगा मिलता होगा। और ये कितना कैसे केजी हमको पता नहीं, पर हम लोग लाए थे 200 रुपये का। तो अभी सारा चीज़ सारा ख़त्म हो गया, बस इतना ही सा बचा हुआ है। तो अभी इसको हम लोग अच्छा तरीका से बॉईल कर रहे हैं क्योंकि ये ना सूखने की वजह से थोड़ा कड़क हो जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा नरम कर रहे हैं। और इसमें डस्ट वगैरह भी रहता है ना, जैसे लोग बेचते रहते हैं ना, तो धूल उल पड़ता है, इसके लिए इसको अच्छा तरीका से हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप लोग को आज हम इसका रेसिपी दिखाएंगे। ऐसे तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से बनाते होंगे, पर हम लोग गांव देहात में ऐसे इस टाइप का बनाते हैं, कम सामान ही रहता है और थोड़ा सा ही तेल में बनाते हैं, क्योंकि शहर टोन वाले लोग तो अच्छा तरीका से बनाते हैं, मसाला धनिया पत्ता सारा चीज़। तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है, तो थोड़े ही सामान में हम लोग आज इसको बनाएंगे। वो भी बहुत ही टेस्टी चूल्हा है, कोयला का चूल्हा में या फिर लकड़ी का चूल्हा में, कुछ का भी चूल्हा में बना लो, अच्छा बनता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग को दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डाल के बनाएंगे रेसिपी। और आज बहुत ही भरपेट हम लोग खाना खाने वाले हैं। क्या हुआ, मुँह से निकालो। तो कल हम लोग का बाबू का बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया था और वो पूरा कपड़ा वगैरह हम लोग को गीला कर दिया था, पता नहीं 1 तारीख को बहुत चीज़ खाया था ना, तो अनपच हो गया था इसके लिए। और रात को हम लोग को लेके जाना पड़ा 9 बजे रात को उसको डॉक्टर के पास। और अभी दोस्तों हमारा मछली तो बॉईल हो गया है, और अभी इसको निकाल देते हैं, हाथ तो उतार देते हैं। बाबू हाथ अठा बहुत गर्म है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा तरीका से हो गया है। पूरा गीला ही हो जाएगा और अभी अच्छा तरीका से नरम हो गया है, देख सकते हैं। और बाबू का इधर मालिश हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हो कि हम लोग सारा बॉईल किया हुआ मछली को एक प्लेट में रख दिए हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होगा और इसको इधर रख देते हैं हम लोग साइड में। और ये पानी को इधर, ये बहुत ही गर्म है। और अभी चलते हैं, टमाटर और मिर्ची को काट लेते हैं अच्छा तरीका से धो के। तो दोस्तों देख सकते हैं हम मसाला सबको काट लिए हैं और यहाँ पे तैयारी कर लिए हैं। और ये हमारा जीरा गोलकी, इसमें गोलकी तो सारा खत्म हो गया, सिर्फ जीरा है और 2-3 को गोलकी। और ये देख सकते हो ये लहसुन है और एक छोटा सा प्याज है, क्योंकि बोलते प्याज बहुत ही महंगा है इसलिए हम लोग का घर में नहीं था, 2 प्याज रखे हैं भूनने के लिए। और अभी डाल देते हैं 3-4 मिर्ची है और ये जितना भी टमाटर है सबको पीस लेते हैं, क्योंकि इसको पीस के ही ग्रेवी बनाएंगे। और अभी चलते हैं दोस्तों, मसाला वगैरह पीस लिए और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। और अभी चलते हैं, कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम तेल डाल दे रहे हैं, तेल भी हमारा गर्म ही हो जाएगा। और ये मछली को ना डालेंगे इसमें, तेल हमारा गर्म ही है। मसाला पिसे हुए मेरे खुद पड़ गया। मैंने नहीं ना उतना ध्यान दिया, मतलब सब धोते हैं कि सब
सब जगह एक को पूछना, तू तो सब रखने रहती है उन्हें सब जगह एक को, एगो मामा जगह, एगो वहाँ बिहारी जगह, एगो मेरा छोटा मामा जगह हलो बिलरिया हाँ गलो वह तरी हलो फिर हम धोलिए सब ठीक है ना करी तो चार सब तेज पत्रों तो कटो बाबू नमक दो रे थोड़ा यहाँ का पीला वाला है गंदा है ऊपर और खाना वीना खा लिए और हम लोग बना उना के खा लिए हैं और आज के ब्लॉग हम लोग यहीं पेंडिंग कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी को हमारी ब्लॉग अच्छी लगी होगी रेसिपी ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय गुड नाइट। गुड नाइट बोलो टाटा बाय और गुड नाइट गुड नाइट दोस्तों।